पीएम किसान संबंधी योजना जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। सर्वे किस पाने के लिए करें ये चार जरूरी काम, खाते में आ जाएंगे 2,000 रुपए। पीएम किसान संबंधी योजना के तहत 11 करोड़ से भी अधिक किसानों के खाते में 2,80,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो भेजी जा चुकी है। वही किसानों को 15वीं किस्त के पैसे मिल चुके हैं, जबकि अभी 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार किसानों के लिए सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी यहां पर हुई है, जिसके मुताबिक 16वीं किस्त के 2,000 रुपये उन्हीं किसानों के खाते में आएंगे जिन्होंने ये चार काम जो है पूरे कर लिए हैं। अगर आप भी इसकी आगामी जो किस्त जो है 16वीं किस्त के अगर लाभ पाना चाहते हैं तो ये आपको चार काम जो है ज़रूरी से यहाँ पर करने हैं। कौन कौन से चार काम है तो आपको बता दें कि पीएम किसान संबंधी योजना का उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है और वित्तीय सहायता प्रदान कर एग्री बिजनेस को जो है बढ़ावा देना है। वही पीएम किसान संबंधी योजना के तहत पैसे सीधे किसानों खाते में आ जाते हैं और उसे दुनिया की सबसे बड़ी डीबीडी स्कीम भी जो है माना जाता है। वही ये चार काम जो है किसानों को जरूर से यहाँ पर करने होंगे, जिस दिन के बिना जो है उनके खाते में जो है पीएम किसान संबंधी योजना की राशि नहीं आएगी। पीएम किसान संबंधी योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 16वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए किसान जो है अपने बैंक खाते को जो है आधार कार्ड से लिंक रखें। अगर आप अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं रखते हैं और आप इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको जो 16वीं किस्त के 2,000 रुपये जो है वो नहीं मिलेंगे। तो आप अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें। इसके अलावा अपने जो सीडेड बैंक खाते हैं उसमें यहाँ पर DBT विकल्प को भी आपको जो एक्टिव जो है वो रखना होगा, यानी आधार सीडेड बैंक खाते में जो है अपना DBT विकल्प जो है वो एक्टिव रखना होगा। इसके अलावा जो अभी तक आपने जो अपने EKYC जो है पीएम किसान संबंधी योजना के तहत EKYC जो होती है वो अब तक आपने नहीं करवाई है तो EKYC आपको जो है जरूर से कराना है। EKYC अगर नहीं करवाते हैं आप तो आपके खाते में 2,000 रुपये की जो राशि जो है 16वीं किस्त की वो नहीं आएगी। तो EKYC किसान जल्द से जल्द यहाँ पर करवा लें। वही पीएम किसान पोर्टल में जो है नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपने आधार सीडिंग की जो है आप जांच कर सकते हैं। अगर आप आधार सीडिंग की जांच जो है आसानी से इसमें कर सकते हैं। बता दें आपको कि EKYC करवाने के लिए पीएम किसान द्वारा जो एक एप्लीकेशन जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से EKYC आप करा सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान जो है CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जो EKYC जो है पीएम किसान योजना की वो करवा सकते हैं। वही किसान खुद भी जो है PM किसान.gov.in वेबसाइट जो है उस पर जाकर खुद भी यहाँ पर KYC कर सकते हैं।